हेलो नमस्कार, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अपने फ़ोटोज़ को कैसे एडिट करते हैं। इसके लिए मैं यूज़ करने जा रहा हूं यहाँ पे फिक्स आर्ट, एक एंड्रॉयड ऐप है, इसमें एडिटिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा और ये एडिटिंग ऑप्शन है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पर मुझे जो फ़ोटो चाहिए थी उस फ़ोटो को मैंने सेलेक्ट कर दी है। इस फ़ोटो में मैं आपको दिखाऊँगा कि एडिट करने के लिए कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं मैजिक में जा रहा हूँ। यहाँ पे तो बहुत सारे पैटर्न्स है, आपको जो पैटर्न्स चाहिए उस पैटर्न्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं मेरे फोटो के हिसाब से एक पैटर्न सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसका नाम है मिडनाइट। इस पैटर्न को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये अभी फ़िलहाल लोडिंग हो रहा है तो मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए ये फ़ोटो ऐसे आएगी लेकिन फेस तो थोड़ा बहुत डार्क आ गया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रबर पे क्लिक करूँगा, जो ऊपर वाला है इसे सेलेक्ट करूँगा। और मैं यहाँ पे इमेज को अपने मोबाइल से जूम करके जो पार्ट मुझे पहले जैसे चाहिए था उस पार्ट को मैंने क्लीन कर दूँगा। ये क्लीन करने से सामने वाला आदमी वही रहता है, पीछे वाले बैकग्राउंड अपने आप चेंज हो जाती है। दोस्तों ये मेरा टच स्क्रीन है, इसीलिए मैं आपको जैसे क्लीन करता हूँ वो नहीं दिखा सकता हूँ। अपने मोबाइल में आप भी टच का यूज़ करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा ध्यान से देखिए, इमेज को आप जितना जूम करके क्लीन करेंगे ना उतनी अच्छी फ़ोटो की क्वालिटी होगी और अच्छी क्लियरिटी भी होगी। देखिए इमेज को मैंने बहुत काफ़ी जूम कर दिया है, जूम करके क्लीन करने से जो भी हम पार्ट को रबर से क्लीन करना चाहते हैं वो पार्ट सही तरीके में दिखता है और एक अच्छी सी दिखती है। तो देखिए ये वाला मेरा इमेज हो गया, उसकी फेस को मैंने पूरा का पूरा क्लीन कर दिया। मुझे शर्ट थोड़ा क्लीन करना है तो शर्ट को भी क्लीन करूँगा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप क्लीन करते वक्त कुछ भी गलती हो गई तो अगर आप दोबारा ड्रॉ कर सकते हो। ये रबर के बाजू में एक पेंटिंग ब्रश जैसे एक मार्क दी हुई है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप जहाँ पे क्लीन कर रहे थे वहाँ पे एक बार फिर से आप कलर डाल सकते हो। तो देखिए दोस्तों मैं काफ़ी जूम करता हूँ इमेज एडिट करने के लिए, क्योंकि आप दूर से देखें तो किसी को भी लगना नहीं चाहिए कि ये मोबाइल एडिटिंग है। कभी कभी मैं अपने इमेज को मोबाइल में एडिट करता हूँ लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं तुम मोबाइल में नहीं करते हो, तुम पीसी में करते हो बोल के, कोई मानते नहीं। फिर भी फ़ोटो एडिटिंग भी एक टैलेंट होती है दोस्तों। ये देखिए इमेज, पहले हम जो इमेज एडिट करते ना वो इमेज हमें खुद को अच्छी लगनी चाहिए, बाद में दूसरों को अच्छी लगेगी। अगर हमें खुद को इमेज जैसी भी अच्छी लगी हो या दूसरों को कभी कभी अच्छी नहीं लगती है। देखिए एडिटिंग भी एक टैलेंट होती है, क्योंकि ये पिक्स आर्ट एंड्रॉयड ऐप बहुत सारे लोगों ने यूज़ करती है लेकिन डिपेंड उनके ऊपर करती है जो लोग एडिटिंग अच्छी बनाती है। बहुत लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन कुछ लोगों को आती नहीं है। ये वाला मेरा इमेज, वो आदमी जो खड़ा था ना वो पूरा क्लीन हो गया। यहाँ पे मैंने आपको ब्रश पे क्लिक किया, हार्डनेस पे, ब्रश के हार्डनेस और ऑप्टिसिटी, ब्रश आपको डार्क चाहिए या लाइट चाहिए। और यहाँ पे मैंने अभी एक मार्क डाल दी, वो मार्क जाने के लिए उस लेवल पे मैं क्लिक करना पड़ेगा, ब्रश की साइज को भी क्लिक करना पड़ेगा। अगर डबल टैप करोगे या रबर पे, नहीं तो या ब्रश पे डबल टैप करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें किस टाइप का ब्रश चाहिए, किस टाइप की हार्डनेस चाहिए, ऑपेसिटी किस टाइप की चाहिए। देखिए मैं ब्रश का साइज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एक चीज़ एडिट करना बोले तो। देखिए ये आ गया लेकिन सामने वाला आदमी जो खड़ा था
वो क्लीन हो गया, लेकिन मुझे जो उसके पीछे वाले बार से उसको भी क्लीन करना है क्योंकि फोटो उतनी अच्छी नहीं दिख रही थी। इसे मैं क्लीन कर रहा हूँ, मुझे ब्रश किस टाइप का चाहिए था मैं सेलेक्ट कर दिया हूँ, इसे भी मैं क्लीन कर दूंगा। इसे भी पूरा क्लीन कर रहा हूँ क्योंकि सामने वाला बंदा जो है वो काफ़ी अच्छे से दिखे है। देखिए अब इमेज की क्वालिटी कुछ अच्छी दिख रही है, पीछे वाला बैकग्राउंड अपने आप ब्लर हो गया, अलग तरीके से हो गया, सामने वाला आदमी जैसा था वैसा ही है, उसी कलर के इफेक्ट भी मैंने चेंज कर दिए। तो मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक किया हूँ, ये मेरी इमेज आ गई। देखिए दोस्तों ये एडिटिंग ऐसी है, फिर भी इसमें कुछ काफ़ी और भी कुछ काम करना बाकी है। अगर उसके ऊपर आप क्लिक करके देखें तो इमेज पहले जैसा था वैसा भी दिखेगा आपको। ये मेरा इमेज आ गया है, तो यहाँ पे मैं दोबारा मैजिक पे ही जा रहा हूँ, मिडनाइट पे और एक बार क्लिक कर रहा हूँ। उसकी सेटिंग्स को मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी है। देखिए इमेज दिखने के लिए थोड़ी अच्छी दिख रही है, फिर भी मुझे लगता है इसमें कुछ ऐड कर दूँ, तो मैं यहाँ पे स्टिकर पे क्लिक करूँगा। जो स्टिकर पे मुझे जो स्टिकर चाहिए उसे मैं सेलेक्ट कर दूँगा, ये वाले मेरे स्टिकर्स हैं। यहाँ पे मैं इस कबूतर को सेलेक्ट कर दूँगा, उसके बाजू में डाल दूँगा, क्योंकि एक एक इमेज के हिसाब से हमें जो भी करना है उसके हिसाब से उसे मैच होना चाहिए। तो जो कबूतर मुझे जितना छोटा रहेगा ना उतनी अच्छी लगेगी, क्योंकि लोगों को लगना चाहिए कि वो पीछे से उड़ के जा रही है। उसके एंगल को भी आप टच से चेंज कर सकते हो, इमेज की साइज को चेंज कर सकते हो। देखिए मैं इसे यहाँ पे रख दूंगा। अब देखिए ये बराबर से फिट हो गया, तो मुझे अभी भी लगता है कि इस इमेज में और भी काम कुछ बाकी है। तो यहाँ पे मैं कुछ लेंस डालना चाहता हूँ, उस लेंस से ऐसा लगना चाहिए कि इमेज काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे साइड में जो एक मार्क है उसका नाम है लेंस फ्लैश, तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको जो लेंस सुटेबल लगा उस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो मुझे ये वाला ब्लू वाला पसंद आया तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। देखिए आप लेंस को सेलेक्ट करने के बाद में ये जो लंबी लाइन दी गई है उस पर टैप करके आप लेंस के कलर्स को चेंज कर सकते हो, मैं दिखा दूंगा। देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको जो इमेज है जो कलर चाहिए उस कलर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो जो आपकी फोटो को सही लगे। ये वाला कुछ मुझे पसंद आता है तो इसे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, सही एंगल पे रखने का सोचता हूँ। अगर लेंस को आप सही एंगल पे नहीं रखोगे तो ये इमेज पूरा ख़राब हो जाएगी। देखिए ये एंगल भी मुझे बहुत पसंद नहीं आ रही है, काफ़ी लोग हर एक लेंस को ऊपर ही रखते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ लेंस को नीचे रखने की सोचता हूँ यहाँ पे साइड पे, क्योंकि कुछ अच्छा दिखे। देखिए पहले वाला मेरा इमेज था अलग था, अब कैमरा कौन सा इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर डिपेंड भी होता है काफ़ी, लेकिन हम एडिटिंग जितनी अच्छी करते ना उसके ऊपर इमेज डिसाइड होती है। ये वाला मेरा इमेज आ गया, तो मैं टेक्स्ट कुछ डालना चाहता हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक किया हूँ। यहाँ पे मैं अब डालूँगा सब्सक्राइब, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर लूँगा, ये आ गया मेरा, तो ओके पे क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे आपको एंगल्स भी दी गई है, अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग टेक्स्ट स्टाइल दी गई है, आपको जिस तरह आप रख सकते हैं, जो टेक्स्ट आपके इमेज को मैच करता है ना उसी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो अगर दूसरी टेक्स्ट आप रखोगे तो आपका इमेज पूरा ख़राब हो जाएगा। इमेज के कलर्स को, टेक्स्ट के कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे शाडो वीडो दी गई, टेक्स्ट की आउटलाइन भी अच्छी दिखनी चाहिए बोले तो उसके ऊपर क्लिक करके थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे जो है इमेज, आप जो टेक्स्ट डाले ना इमेज के ऊपर उस टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से रोटेट कर सकते हो, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, एंगल चेंज कर सकते हो। तो मुझे इस टेक्स्ट को एक सही जगह पे रखना है, तो
तो यहाँ पे मैं, अगर आपको टेक्स्ट अलग कुछ आपके नाम से डालना है तो आप डाल सकते हो, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक वीडियो एडिट कर रहा हूँ, ये इमेज को एडिट किया हूँ मैंने, तो एंगल मुझे ठीक लगती है। यहाँ पे मल्टीपल डार्कनेस लाइट ओवरले और बहुत ही, मैं नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे साइड पे रख दूँगा सब्सक्राइब। देखिए दोस्तों, मेरी पहली वाली इमेज अलग थी, ये वाली इमेज अलग आ गई, तो आपको वो भी दिखाऊंगा, ये इमेज भी दिखाऊंगा। इसके लिए मैं यहाँ पे जो ऊपर वाली एक मार्क दी गई है एरो मार्क, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ इमेज सेव करने के लिए, और यहाँ पे नीचे जो गैलरी है उस पर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी इमेज सेव हो गई। ये देखिए दोस्तों, मेरी पहले वाली इमेज कैसी थी, मैंने एडिट करके इस तरह बनाई। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।